लेगा ब्लैक पैंथर की जगह? क्या फिल्म में दो विलन की एंट्री होगी? कौन सी दो धमाकेदार मार्वल्स फिल्म आ रही है? नमस्कार, बॉलीग्रेड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ब्लैक पैंथर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ मजेदार बातें। आने वाला साल होने वाला है सुपर हीरो से भरा। जी हाँ, एक तरफ जहाँ हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जल्द ही अगले साल यानी 8 जुलाई 2022 को ब्लैक पैंथर 2 के रिलीज होने की खबर आई है, वहीं अब आपके लिए है हमारे पास एक और खुशखबरी। जी हाँ, ब्लैक पैंथर 2 के साथ ही मार्वल्स की फिल्म कैप्टन मार्वल 2 आ रही है। हाँ, आपने सही सुना, कैप्टन मार्वल 2 आ रही है अगले साल ही 11 नवंबर 2022 को। आने वाली ये दोनों मूवीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ही मूवीज हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि कैसे दोनों सुपर हीरोज की मूवी मचाती है पूरे दुनिया के दिलों पर राज। वही राज से याद आया, आने वाले ब्लैक पैंथर 2 में अब टी चल्ला का राज खत्म हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि असल में भी चैडविक अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वही फिल्म ब्लैक पैंथर 2 में भी अब उनका अस्तित्व खत्म हो गया है और अब वकांडा पर राज करेगी टी चल्ला की बहन लटीला राइट शूरी। जी हाँ, अब आने वाली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में ब्लैक पैंथर बनेंगी शूरी। अब देखना ये है कि आने वाली इस फिल्म में कैसे एक बार फिर जुड़ेगी शूरी वकांडा साम्राज्य, क्योंकि हमें तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सुनने में ये भी आया है कि वकांडा में घुसने वाले हैं दो दमदार विलन। हम सभी जानते हैं वकांडा और अटलांटिस एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ एक हिडन साम्राज्य था और हमें देखने को मिला कि ये दोनों ही नेशन भिड़ जाते हैं एक दूसरे से। अब सोर्सेस से पता लगा है कि दो विलन नमोरा और अचूमा मार्वल्स यूनिवर्स की किसी फिल्म का हिस्सा होने वाले हैं। ऐसे में काफी चांसेस हैं कि ये दोनों हमें ब्लैक पैंथर 2 में विलन के तौर पर दिखे या फिर इनमें से कोई एक। अब असल सच क्या है ये तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए मैं स्नेहा आपसे लेती हूँ इजाजत, पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप चैडविक की जगह शूरी को नया ब्लैक पैंथर एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही जाते जाते आप भी हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियो।